और राजधानी लखनऊ में नगर निगम कर्मचारियों ने आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। बता दें कि नगर निगम कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि अपनी 13 प्रमुख मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों समेत शासन के अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज सभी कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और अपनी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही हमारी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो आगे हम सभी नई रणनीति बनाकर हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ 13 सूत्री मांगों को लेकर वर्ष 2017 से खासकर इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनरत है। सैकड़ों हमारे धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन हुए और प्रमुख रूप से 4 हमारी बैठकें शासन स्तर पर हुई। एक चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई, एक प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ हुई और 2 बैठकें हमारी प्रमुख सचिव नगर विकास साथ हुई। उन बैठकों पर क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया, कार्यवृत्तियां जारी हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। प्रमुख चीज है कि आज 76 साल आजादी के हो गए, हमारी अकेंद्रीय सेवा नियमावली ने कौन कौन सी मांगों को लेकर उन्हीं मांगे हैं, कौन कौन सी मुख्य मांगे हमारी।